बहुत दिनों से खिलाड़ियों ने खेल नहीं चालू किया था, अब लोगों ने खेलना भी चालू कर दिया है स्वास्थ्य के लिए। आइए इस संबंध में खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता राजन द्विवेदी जी से कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार। हाँ बताइए वकील साहब, आप लोगों ने कब से चालू किया खेल? ये लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने खेल गतिविधियों को अलाउ किया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग खेले नहीं थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन अनलॉक 01 हो गया तो आज से हम लोगों ने खेल गतिविधियां चालू की है और अपने बैडमिंटन ग्राउंड को साफ सुथरा करके आज एक दो मैच हम लोग खेले हैं, जिसके कारण अपना स्वास्थ्य सही रहेगा और भविष्य में भी अपने को तकलीफ नहीं होगी। सचिन तिवारी जी, आपका क्या कहना है इस मैटर में? हमारा कहना ये है कि स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी है, इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराने के लिए खेल जरूरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता हेतलाल शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस मैटर में? नमस्कार। ये खेल बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए और हम लोग आज से खेल चालू किए हैं और हो सकता है कि हम लोग अब खेल चालू किए रहें और खेलते रहेंगे। हमारे बीच में किसान नेता रजनीश पांडे जी भी हैं, उनसे आधी तूफान से किसानों को हुई समस्याओं पर चर्चा करते हैं। माननीय रजनीश पांडे जी, क्या दिक्कत है इस समय किसानों को? किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब इतनी फसल नुकसान हो रही है, घर में आधी तूफान से लाइट बंद, आज एक हफ्ते से लाइट बंद। सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत घरा में एक हफ्ता से लाइट बंद है। अच्छा, और वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, अधिकारी बात सुनने को तैयार है ना कुछ। तो क्या आपने एमपीवी वालों से गगहरा के मैटर में संपर्क किया? अरे कम से कम 50 बार संपर्क किया गया, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो इसका मतलब किसानों को बहुत ज्यादा अभी भी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है किसानों को, अब लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? तो वहाँ की लाइट की व्यवस्था की जाए। किस किस गाँव में लोग परेशान है? गगहरा है, सगरा है, मनकाहरी में तो आ गई शायद। अच्छा अच्छा जी, कुसहा है, डिहिया है। जी जी जी, इन गाँवों के लोग काफी दिक्कत में है, बहुत दिक्कत। जिस दिन लाइट बंद हुई है ना, जी जी, आंधी तूफान आया उस दिन से आज तक लाइट नहीं आई हुई है। चलिए, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।